दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बैटल ऑफ खरदा खरदा की लड़ाई के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो खरदा लड़ाई हुआ था ये 1795 में हुआ था। एक तरफ जो थे मराठा वाले थे और एक तरफ निजाम वाले थे। मतलब ये कह सकते हैं मराठा में जितने भी पावरफुल सब चीफ थे वो सब मिल गए थे एक तरफ, और दूसरे तरफ जो है कौन थे, निजाम थे जो हैदराबाद के। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसी युद्ध में मराठे वाले जीत गए और निजाम हार गए। देखिए, निजाम हारने का कारण क्या है, निजाम तो बहुत पावरफुल था और बहुत रिच भी था, ठीक, इतना डोमिनेंस था, फिर भी हार गया क्यों? रीजन ये है कि मैं बता देता हूँ। देखिए, जॉन शोर जो उसी समय गवर्नर जनरल थे भारत के, उसी समय क्या हुआ, जॉन शोर एक पॉलिसी लाए थे, उसका नाम है पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। मतलब इसी पॉलिसी में क्या होता है, कोई भी राजा अगर पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन मतलब अपनाता है तब क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसका बचाव करेगा, मतलब उसको सिक्योरिटी देगा, सुरक्षा देगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, निजाम के केस में ये हुआ, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन एक्सेप्ट करते हुए भी ब्रिटिश वाले सपोर्ट नहीं किए, तब क्या होगा, मराठा वाले इजीली जीत जाएंगे। तो वही हुआ, मराठा वाले जीत गए और निजाम इतना पावरफुल होते हुए हार गए। इसी युद्ध के बाद क्या हुआ मैं बता देता हूँ। निजाम का जो ट्रस्ट था, जो अंग्रेज के ऊपर ट्रस्ट था, जो बिलीफ सिस्टम था, वो खो गया, मतलब नष्ट हो गया, ठीक है, ट्रस्ट ब्रेक हो गया। और जो अंग्रेज थे वो मराठा वालों को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लिए और अपना काम चलाए। ये था आपका बैटल ऑफ खरदा। मतलब कुल मिला के अगर क्वेश्चन आता है बैटल ऑफ खरदा के ऊपर, तो ये आ सकता है किसके बीच में हुआ है और रिजल्ट के बारे में पूछेगा। अगर किसके बीच में है तो आप सीधे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, एक तरफ निजाम था और दूसरी तरफ मराठे वाले थे। मराठा सारे जो बड़े बड़े राजा थे सब एकजुट हो गए थे, ठीक, तो निजाम और मराठे के बीच में हुआ था। और कब हुआ था, 1795 में हुआ था, 1795 में हुआ था। और बहुत ही आसान सा चीज़ है, मैं समझता हूँ आराम से आप कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विकास अकेडमी।